हिंदू और मुसलमान के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पूरा हरियाणा अलर्ट पर है। नूह से हिंसा की आग जब सोना और गुरुग्राम पहुंची, तो प्रशासन भांप गया कि सुलगता नूह अपनी चपेट में सिर्फ सोना या गुरुग्राम नहीं बल्कि पूरा हरियाणा ले सकता है। एक गलती के बाद अब हरियाणा सरकार और प्रशासन कोई चूक करने के मूड में नहीं है। एहतियातन सोनीपत, करनाल, पलवल और फरीदाबाद में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। नूह में कल हुए दंगे और हिंसा के बाद रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम और फरीदाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। चलिए आपको चार बड़े शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में मौजूदा हालात कैसे हैं। नूह की आग की आहट फरीदाबाद, करनाल, पलवल और सोनीपत तक देखी जा रही है। फरीदाबाद में किसी भी तरह के दंगे और हंगामे से बचने के लिए 4019 जवानों की तैनाती कर दी गई है। खुफिया विभाग के अधिकारी इन जवानों के साथ जगह जगह जाकर दौरा कर रहे हैं, खास तौर से उन स्थानों पर जहां पर हंगामे के आसार की पुलिस के पास सूचना है। पुलिस अधिकारी जनता से अपने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वहीं करनाल में मेरठ रोड पर जो हनुमान मंदिर और साथ ही साथ मस्जिद है, वहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गयी है, ताकि उपद्रव यहाँ पर शांति भंग न करें, यहाँ पर शांति बनी रहे। कई पुलिसकर्मी, डीएसपी, प्रशासन के अधिकारी एहतियात के मद्देनजर यहाँ तैनात हैं। करनाल में वाटर कैनन की गाड़ियाँ भी सुरक्षा के लिहाज से खड़ी हैं। वहीं पलवल शहर में हालात तनावपूर्ण और संवेदनशील हैं। दुकानदारों के द्वारा खोले जा रहे बाजार को पुलिस प्रशासन ने बंद करवा दिया। लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस प्रशासन की सख्ती के कारण पलवल के तमाम बाजार पूरी तरह से बंद करा दिए गए हैं। सोनीपत पुलिस भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। सोनीपत पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने सोनीपत में धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है और सोशल मीडिया पर भी सोनीपत पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है, ताकि कोई भी भाषण जारी ना किया जा सके। चारों जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। हिंसा की आंच जो नूह से उठी है, उसे बुझाने के लिए हरियाणा सरकार के साथ साथ प्रशासन भी अब मुस्तैद हो चुका है। वहीं तनावपूर्ण हालातों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सुरक्षित है, बिल्कुल सभी से वापस आ गए, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। और वहाँ पे भी जो है कानून व्यवस्था मेंटेन की जा रही है, पूरे प्रदेश में अलर्ट है। तो सब कोई जो है किसी भी अफवाह का कोई भी उसको विश्वास नहीं करता। सर, कई इस तरह की फेक न्यूज वायरल हो रही है कि कई लोगों को जिंदा जला दिया गया, ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है। तो जैसा मैंने बताया कि जो प्रशासन कह रहा है वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं है। ठीक है, प्रशासन को भी किसी बात को कुछ छिपाने को कुछ मिलेगा नहीं। तो प्रशासन जो बोल रहा है उसके अलावा सारी बातें सब झूठ है। एहतियात के मद्देनजर कहाँ पर फोर्स लगाई है सर? पूरे हरियाणा में हर जगह फोर्स लगी, जितने भी फोर्स सब स्टैंड पे सब जगह लगी हुई है। और जो भी हमें लगता है सेंसिटिव पॉइंट्स हैं अपने इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे हम अपने जिले में सर कहाँ कहाँ, जैसे मैंने बताया काफ़ी जगह लगी हुई है, तो सबको चिन्हित करने की जरूरत है। गड़बड़ की खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जैसे धारा 144 यहाँ पे लग गई है और हमारे सारे पुलिस मुलाजिम जो सीपी साहब के आदेश अनुसार दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं, सारे फ्लैग स्थिति में कुछ होते हैं एलिमेंट्स जो कोशिश करते हैं कि पूरा माहौल खराब कर दिया जाए। जिस प्रकार की यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना हो, तो उन अफवाहों से बचें। और जैसे ही कोई चीज़ हो, क्योंकि इंटरनेट की सेवाएं बंद हो गई हैं, वो इसलिए बंद की गई ताकि ये जो भी पैनिक है, क्या चीज़ वो दिख रही है, किस हिसाब से वो दिखा रहे हैं, क्या अफवाह फैला रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, जैसे अभी कई जगह से इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये हो गया वो हो गया, तो हमारी कोशिश यही है कि वहाँ पर तुरंत जाकर पहली बात तो कानून व्यवस्था बनाई जाए वहाँ पर, और कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे भी हो, अगर कोई ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कुछ भी है, तो उनके ऊपर सख्त कानून कार्रवाई करके उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। चारों जिलों की पुलिस आम जनता से शांति के साथ साथ अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील कर रही है। पुलिस के साथ साथ सरकार भी मौजूदा हालातों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि सरकार और पुलिस प्रशासन की तैयारियां मुश्किल दौर में कितनी कामयाब होती हैं, ये तो वक्त बताएगा, मगर तनावपूर्ण हालातों से बाहर निकलने के लिए इस वक्त सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पलवल से गुरुदत्त गर्ग, फरीदाबाद से अनिल राठी के साथ करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।